नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान आईटीबीपी जवान की पत्नी और उसके दो जुड़वा बेटों का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। शाम 6 बजे के आसपास इस कुएं वाली घटना की सूचना मिली है। युवती अपने ससुराल में विवाद होने के बाद 3 किलोमीटर दूर पीहर के लिए पैदल घर से निकल गई थी और बताया जा रहा है कि पीहर न जाकर ही उसने इस कुएं वाली घटना को अंजाम दिया है। और इस घटना के दौरान विवाहिता सहित एक उसके बेटे को मृत घोषित किया है, जबकि दूसरे बेटे का इलाज चल रहा है। पूरा मामला है जो राजस्थान के झुंझुनू जिले के चिड़ावा थाना क्षेत्र से निकल कर आ रहा है, जहां पर थाना इंचार्ज विनोद सामरिया ने बताया कि युवती चिड़ावा के पास श्योपुर पंचायत के गोदरा के पास गांव की रहने वाली थी और युवती के भाई सचिन ने चिड़ावा थाने में ससुराल वालों पर दहेज के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है, जिसके दौरान पुलिस जांच कर रही है। और रिपोर्ट में भाई ने बताया कि उसकी बहन सोनिया 23 वर्षीय की शादी 10 साल पहले पिलानी रोड पर गैस एजेंसी के पास विकास नगर में रहने वाले अरविंद 34 वर्षीय के साथ हुई थी। अरविंद आर्मी में है और वह आरटीबीपी हरियाणा में पोस्टेड है और 7 दिन पहले अरविंद 10 दिन के लिए छुट्टी पर घर आया हुआ था। इसी दौरान बताया जा रहा है कि आरटीबीपी जवान सहित उसके घर वाले उसे परेशान करने लगे थे दहेज के लिए और इसी दौरान उसने विवाद किया है और अपने पीहर के लिए 3 किलोमीटर के लिए निकल गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि उसने घर ना जाकर ही उसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया है, जिसके दौरान मां सहित एक बेटे को मृत घोषित किया है जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। तो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय जरूर दें।